हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी किडर। आज हम जा रहे हैं पवना लेक। यहाँ पुणे से करीब कितने किलोमीटर दूर है? 60 किलोमीटर दूर है एंड यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है। एंड वहाँ जाके हमने एक रिजॉर्ट बुक किया हुआ है, ग्रीन वेलवेट रिजॉर्ट नाम है उसका। एंड वहाँ हम 2 दिन स्टे करेंगे, आज का और कल का, और परसों वापस आएंगे। तो इसलिए मैं आज ब्लॉगिंग कर रही हूँ ताकि आपको दिखाऊँगी कितना मस्त रिजॉर्ट है वो और हम क्या क्या मस्ती करने वाले हैं इस 2 दिनों में। तो आरुष तो बहुत एक्साइटेड है जाने के लिए, उसका तो वेट ही नहीं हो रहा है उससे। और सारी पैकिंग हो चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ और बस हम निकलने वाले हैं यहाँ से। अच्छा बताओ कहाँ जा रहे हो? रिजॉर्ट, नॉट रिजॉर्ट। और वहाँ पे कहाँ जाओगे फिर? हाँ, हम लोग की उसके बाद डायनासोर लैंड भी जाने वाले हैं, जो वहाँ से 10 मिनट्स के रास्ते पे। ये हमारा पूरा बैग है, ये बैग है जिसमें सारे कपड़े वगैरह हैं एंड मेडिसिन बॉक्स और आरुष के टॉयज। एंड इस बैग में सारे स्नैक्स आइटम्स हैं और आरुष का खाना है, उसके लिए अलग से बनाना पड़ता है क्योंकि वो बाहर कुछ खाता नहीं ज़्यादा। एंड इसमें रेनकोट और जैकेट्स वगैरह हैं हमारी। एंड थोड़ा बहुत आरुष के टॉयज इसमें भी रखे हुए हैं। एंड ये मैं स्लिंग बैग जो मैं कैरी करूँगी, और ये छाता, आरुष की कैप, और इसमें आरुष का स्कूल का, क्योंकि एक दिन वो स्कूल ज्वाइन करेगा वहाँ से। और फिर कैरी भी। और हाँ, इसमें आरुष का स्कूल का सामान रखा हुआ है ना, आरुष पढ़ाई भी करेगा वहाँ जाकर, इसलिए तो पढ़ाई करना अच्छा लगता है। यस, तो चलो हम चलते हैं, जल्दी से सारा सामान रखते हैं और चलते हैं। ये रहा रूम, ये रही ड्रेसिंग टेबल यहाँ पे, ये रही मैं यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल, ये रही कबर्ड, काफ़ी स्पेशियस कबर्ड है ये, सारा सामान इसमें आ जाता है। और ये रही टीवी, इसका आरुष कार्टून चल रहा है। एंड ये रहा टेबल चेयर, ये रहा आरुष, हाय। एसी रूम है एंड ऊपर फैन भी है। एंड यहाँ पे चाय एंड कॉफ़ी बनाने का पूरा सामान है एंड बॉटल भी है पानी की। मिक्सर नहीं, वो कैटल है, इसमें चाय और कॉफ़ी बनाते हैं। एंड ये विंडो है, इतना अच्छा व्यू आता है इस विंडो के बाहर, इस विंडो के बाहर के मैं आपको बता नहीं सकती। ये रेस्टोरेंट है यहाँ का, ऊपर माउंटेन। एंड स्विमिंग पूल एंड वो रहा लेक, तो इतना अच्छा
व्यू इस विंडो से हमें यहाँ बैठे बैठे आराम से मिलता है। एंड यहाँ पे एक पीछे एक और गेट है पीछे जाने के लिए। हाँ आरुष, एंड ये पीछे का व्यू है। यहाँ पे पीछे माउंटेन है एंड पूरी ग्रीनरी है। यहाँ से बहुत अच्छा व्यू मिलता है, पूरी ग्रीनरी। और यहाँ से हम बाहर भी जा सकते हैं आउटर। अभी मैं जा नहीं रही हूँ क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, तो यहाँ बैठे बैठे पूरा हम आनंद ले सकते हैं बाहर के व्यू का। एंड ये है बाथरूम, तो इसकी लड़के चल गया। ओके इस गेट से बाहर भी काफी अच्छा होता, गेट खोलते से बहुत अच्छा व्यू मिलता है डेक का। हमारा कॉटेज सिटी, एंड बाहर से हमारा कॉटेज कुछ इस तरीके से दिखता है। ये रहा हमारा कॉटेज, एंड हम थोड़ा स्विमिंग पूल का ही मज़ा ले रहे हैं। आरुष को तो बहुत मज़ा आया स्विमिंग करने में। एंड ये जो ट्यूब्स हैं स्विमिंग ट्यूब्स, ये वहाँ रिजॉर्ट द्वारा ही प्रोवाइड किए गए हैं। चलिए अब थोड़ी पेट पूजा हो जाए। ये रेस्टोरेंट है यहाँ का रिजॉर्ट का, एंड ये पूरा खुला खुला है, अच्छा लगता है। यहाँ पर बैठने में भी अच्छा सा व्यू आता है, बहुत अच्छी हवा आती है बाहर से, एंड काफ़ी अच्छा बड़ा रेस्टोरेंट है ये, एंड काफ़ी अच्छी सीटिंग की फैसिलिटीज़ हैं। Can you stick through it with me or not? And it might take a minute, but we'll get it. The type of love that you want. Like it. I know that you like it. You like it. Yeah. ये गेम एरिया है रिजॉर्ट का। यहाँ पे आप टेबल टेनिस खेल सकते हैं, बिलियर्ड्स खेल सकते हैं, डार्ट्स खेल सकते हैं, डार्ट बोर्ड भी है यहाँ पे, एंड कैरम है, स्नैक लेडर गेम भी है, लूडो भी है और चेस भी है। और यहाँ पे हमारे आरुष बिलियर्ड्स खेल रहे हैं। अभी करीब शाम के 6 बज रहे हैं और इतना अच्छा मौसम हो रहा है बाहर का,
और इस इवनिंग टाइम में वहाँ झूले पे बैठने से अच्छा तो कुछ और लगता ही नहीं है। एंड यहाँ पे थोड़ी ठंड हो जाती है शाम के टाइम पे, इसलिए अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो बच्चों के लिए स्वेटर ज़रूर लेकर आइए। ये नाइट का व्यू है और रात को जब लाइट्स चल जाती हैं रिज़ॉर्ट की तो ये रिज़ॉर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर हम लोग बाहर बैठ के भी खाना खा सकते हैं, आप बस ऑर्डर दे दीजिए, आपको खाना कहीं भी सर्व किया जा सकता है, यहाँ डेक पे, स्विमिंग पूल के पास, या आपके रूम में, या फिर आपको रेस्टोरेंट में खाना खाना तो वहाँ पे भी खा सकते हैं। शुकाने की रसम नबा अनियो सर तो पोगो सा हे हे ये ये आई कैन कंट्रोल हे हे ये ये आई मिस यू बेबी हे हे ये ये नन जुम द पलिन time to have some kanda bhaji and chai So guys, अगर बात करें रिजॉर्ट की तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रिजॉर्ट है। सफाई के मामले में मैं इसको 5 स्टार दूंगी। सीरियसली बहुत ज़्यादा सफाई यहाँ पर रहती है और यहाँ पे लोग सफाई का ख्याल भी बहुत ज़्यादा रखते हैं, पूरा प्रॉपर क्लीन है यहाँ पे, गार्डन वार्डन सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बच्चों के लिए काफ़ी सेफ है। एंड यहाँ पे व्यू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मीन्स आप यहाँ पर बैठ के मतलब आराम से रिलैक्स कर सकते हैं, सारी टेंशन भूल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 15 मिनट भी बैठ लेंगे ना तो आपको लगेगा कि आप पता नहीं कहाँ जन्नत में आ गए। सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर रिलैक्स करने में। एंड खाने की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी खाना है। मैंने अभी तक मैंने कोई चाइनीज़ वगैरह ट्राई नहीं किया यहाँ पे, मैंने केवल इंडियन फूड ही ट्राई किया था और वो सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे, बहुत ही अच्छे टेस्ट में थे। आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो यहाँ के पकौड़े ज़रूर ट्राई करना, यहाँ के अनियन पकौड़ा एंड पोटैटो पकौड़ाज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं, एंड वो जरूर आप ट्राई करिएगा। एंड हम आरुष के लिए काफ़ी कंसर्न थे कि उसको मिल्क नहीं मिलेगा और इस चीज़ को लेकर कि छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल करना है ये वो, पर यहाँ का स्टाफ बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है, आपको मतलब किसी भी टाइम कुछ भी चाहिए वो अवेलेबल करवा देते हैं स्पेशली बच्चों के लिए। एंड दूध यहाँ पर हम आरुष को सोच रहे थे लेके आएँ बट नहीं लेके आए, पर यहाँ पर बिल्कुल प्योर दूध मिला, मतलब जैसे घर का होता है ना वैसा, काफ़ी अच्छा टेस्ट में था एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यहाँ का खाना भी, सर्विस काफ़ी अच्छी है, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत हम्बल है एंड काफ़ी सीधे साधे लोग हैं यहाँ के। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। अगर आप भी यहाँ पे बुक करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। मैं कहूँगी ऑनलाइन बुकिंग मत करवाइएगा, आप इनके फ़ोन नंबर पर कॉल करके बुक करवाइएगा तो काफ़ी अच्छा कंसेशन देते हैं फ़ोन पर बुक करवाने में, ऑनलाइन में थोड़ा महंगा रहता है, बट जब आप कॉल करके बुक करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सही रेट आपको बताते हैं, काफ़ी डिस्काउंटेड रेट बताते हैं। मैं यहाँ के नीचे वाले फ्लोर पे हूँ, यहाँ पे सामने गेम एरिया है वहाँ पर हूँ मैं, तो यहाँ पे खड़े होकर बात कर रही हूँ कि आरुष अभी अंदर है, गेम खेल रहा है, उसका तो बहुत अच्छा टाइम पास हुआ, उसका तो अब पूना जाने का भी वापस मन नहीं हो रहा, उसको इतना अच्छा लगा यहाँ पे। सो गाइस, ये था आज का हमारा डे वन इस रिजॉर्ट में, एंड डे टू कैसा रहा वो जानने के लिए आपको मेरे चैनल पे बने रहना पड़ेगा, क्योंकि वो मैं शेयर करूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में कि हमने डे टू में कहाँ गए थे, क्या किया हम लोगों ने। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।